नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जुबानी जंग नेताओं की एक दूसरे पर तेज होती हुई चली जा रही है। 2019 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम बैरल का जिक्र करके राजनीति गर्मा दी है, तो यूपी में 11 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के लिए घमासान छुट चुका है। आज गाजियाबाद में प्रियंका गांधी ने जबरदस्त रोड शो किया, तो राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मोदी पर धावा बोल दिया और पुणे में छात्रों को संबोधित करते हुए मोदी को निशाने पर लिया। जबकि मोदी ने भी आज ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। पश्चिमी यूपी के अमरोहा और सहारनपुर में मोदी ने बोटी बोटी वाला बयान दिया, तो मथुरा में वोट मांगने के लिए हेमा मालिनी ने ट्रैक्टर चलाया। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में रोड शो निकाला, तो उस पर सियासत गर्म हो चली है और ताजा सियासत शुरू कर दी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। दरअसल राहुल गांधी के रोड शो में मुस्लिम लीग के झंडे लहराए जा रहे थे, उसी को लेकर कांग्रेस के अंदर वायरस घुस गया है मुसलमानों का। इसको लेकर राहुल पर कैसे किया है तंज योगी ने, देखिए। बोटी बोटी करने वाले साहबी है, पिंजा गुले, पिंजा गुले। I love Mr. नरेंद्र मोदी। मुस्लिम लीग जो इस देश के विभाजन का कारण बनी थी, भारत विरोधी ताकतों के साथ राहुल गांधी अपना नामांकन भरने गए। 1943 के अंदर मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा ने मिलकर सरकार बनाई थी। ये लोकसभा चुनाव है, हर कोई खुलकर मैदान में उतर आया है। वोटों की इस लड़ाई में हर कोई अपने हथियार तान रहा है। जनता को अपने पाले में खींचने के लिए एक दूसरे पर प्रहार हो रहे हैं और सबसे बड़ा प्रहार योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर किया है। जी हाँ, राहुल गांधी केरल के वायनाड पहुंचे तो उनके रोड शो में उनके सहयोगी पार्टी मुस्लिम लीग के हरे और चांद तारे पर झंडे लहराते हुए दिखाई दिए। बस इसी पर शुरू हो गई हिंदू मुस्लिम और मुस्लिम लीग को वायरस बताने की राजनीति। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक बने योगी आदित्यनाथ कांग्रेस के मुस्लिम लीग से गठबंधन पर सवाल उठा दिए। बाकायदा योगी ने ट्वीट कर विवादित टिप्पणी भी कर दी। योगी ने अपने ट्वीट में लिखा, मुस्लिम लीग एक वायरस है, एक ऐसा वायरस जिससे कोई संक्रमित हो गया तो बच नहीं सकता, और आज तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ही इससे संक्रमित हो चुका है। सोचिए अगर ये जीत गए तो क्या होगा, ये वायरस पूरे देश में फैल जाएगा। भाइयों बहनों, कल आपने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी के केरल की एक लोकसभा सीट में आपने देखा होगा, जब नामांकन करने के लिए गए थे तो नामांकन करते समय उनके रोड शो में जो झंडे लगे थे, ये झंडे क्या साबित करते हैं और आने वाले समय के लिए भारत के लिए कौन से खतरे की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। हम सबको कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस देश के खिलाफ जिस प्रकार की साजिशें रचने की बू दिखाई दे रही है, अगर समय रहते हम सपा बसपा और कांग्रेस से सचेत नहीं हुए तो ये लोग इस देश को एक बार पुनः आतंक सलबाद और अलगाववाद की चपेट में ला करके देश की सुरक्षा पर सेंध लगाने का तो कार्य कर ही रहे हैं। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, मुस्लिम लीग के खिलाफ योगी ने फिर से भड़ास निकाली और मुस्लिम लीग को सीधा देश के विभाजन तक ले गए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मंगल पांडे के साथ पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई कर रहा था, फिर ये मुस्लिम लीग का वायरस आया और ऐसा फैला कि पूरे देश का ही बंटवारा हो गया। आज फिर वही खतरा मंडरा रहा है, हरे झंडे फिर से लहरा रहे हैं, कांग्रेस मुस्लिम लीग वायरस से संक्रमित है, सावधान रहिए। किसके सहयोग से वे चुनाव जीतना चाहते हैं? मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। मुस्लिम लीग जो इस देश के विभाजन का कारण बनी थी। योगी राहुल को मुस्लिम लीग के साथ खड़ा कर उसके राष्ट्रवाद पर सीधी चोट कर रहे हैं, मुस्लिम लीग को वायरस बता रहे हैं। ये समझने वाले भी समझ रहे हैं योगी का निशाना किधर है, ये किसे वायरस बताने की कोशिश कर रहे हैं, और कांग्रेस बीजेपी को इतिहास पढ़ा रही है। 1943 के अंदर मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा ने मिलकर सरकार बनाई थी,
ये नहीं बनाई थी। और आरएसएस और हिंदू महासभा की हिस्ट्री ऑलमोस्ट 100 साल पर जाती है। आप जब चाहें मुस्लिम लीग से हाथ मिला लें तो आप हिंदुओं के सबसे बड़े चैंपियन हैं। राहुल गांधी के स्वर देश विरोधी पहले ही देश की राजधानी में पूरे देश ने सुन लिए। जब भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा का समर्थन राहुल गांधी ने किया, हाल ही में जो मैनिफेस्टो राहुल गांधी के नेतृत्व में रिलीज हुआ उसमें भारत की सेना को कलंकित करने का प्रयास किया गया, उसमें भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारों का समर्थन कांग्रेस पार्टी करेगी ऐसा विधिवत उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा बना। कल भारत विरोधी ताकतों के साथ राहुल गांधी अपना नामांकन भरने गए। बार बार राहुल गांधी अपने सही मकसद का परिचय दे रहे हैं कि वो हिंदुस्तान के साथ नहीं, वो उन तत्वों के साथ है जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। वो मुस्लिम लीग जिसकी सदारत जिन्ना करते थे, और ये मुस्लिम लीग, उनको अगर इतना इतिहास नहीं पढ़ा है इन्होंने, तो मैं तो इनको कहूंगा कि एनसीईआरटी की बेसिक टेक्स्ट बुक पढ़िए। लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं क्योंकि आप पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं है। हम आपको बता दें कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग राज्य में यूडीएफ की अगुवाई कर रही कांग्रेस के बड़े सहयोगियों में से एक है और इसकी स्थापना पाकिस्तान के पूर्व पीएम मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। योगी जी ने बिल्कुल ठीक फरमाया है, जो मुस्लिम लीग देश के बंटवारे की जिम्मेवार है आज भी अगर उससे निकटता जो करे अपने वोटों के लालच में तो देश के प्रति सही कर्तव्य नहीं निभाएगा। और निश्चित तौर से अब यह हिंदुस्तान जाग गया है, वह देशद्रोही किसी प्रवृत्ति को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। राष्ट्रवाद का बेहतर युग आया है। देखिए योगी जी की बात को भी अब कोई गंभीरता से नहीं लेता है क्योंकि वो विवादित मुद्दों के लिए ही जाने जाते हैं। अभी उन्होंने देश की सेना को मोदी की सेना बता दी। कभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि भाई अब गन्ना ही न बो। केरल में कांग्रेस 20 में से 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बाकी की 4 सीटें उसने गठबंधन में अपने सहयोगियों के लिए छोड़ दी हैं। 2 सीटें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को जबकि एक एक सीट केरल कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी को दे दी है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी केरल के वायनाड से चुनाव लड़कर दक्षिण भारत की राजनीति को साध रहे हैं ताकि दक्षिण भारत में कांग्रेस 2019 की जंग में मजबूती से उभर सके। आज तक ब्यूरो। उधर राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनावी जंग की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कर दी है। वैसे तो पूर्वी यूपी का उन्हें प्रभारी बनाया गया है लेकिन आज वो पश्चिमी यूपी के गाजियाबाद में थी जहां पर अपने प्रत्याशी डॉली शर्मा के लिए उन्होंने वोट मांगे और जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कसा है तंज। ये है प्रियंका गांधी वाड्रा का दम। ओपन रूफ कार में प्रियंका गांधी वाड्रा का काफिला चल रहा है और आगे पीछे सड़कों पर सैकड़ों लोगों का हुजूम चल रहा है। तस्वीरें गाजियाबाद की है, यहाँ प्रियंका गांधी कांग्रेसी उम्मीदवार डॉली शर्मा के लिए रोड शो कर रही है। प्रियंका गांधी 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। रोड शो में चलते चलते प्रियंका लोगों की हसरतों का ख्याल भी रख रही हैं। उनके साथ बीच बीच में सेल्फी खिंचवाती हैं। जो प्रियंका के साथ सेल्फी लेना चाहते हैं वो उनका फोन अपने हाथ में लेती और उसके साथ सेल्फी खींचकर उन्हें वापस दे देती। वो लोगों को फूलों की मालाएं फेंकती है, जनता का हाथ हिलाकर अभिवादन करती है, तो कभी छतों पर खड़े लोगों की तरफ हाथ हिलाती है। दोनों तरफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं और प्रियंका गांधी ऊपर सबसे अभिवादन कर रही हैं। लोग हाथ मिलाना चाह रहे हैं, कई लोग सेल्फी खिंचाना चाह रहे हैं। प्रियंका गांधी हाथ भी मिलाती हैं, कुछ लोगों से सेल्फी भी खिंचाती हैं। जो आगे आ पाता है एसपीजी की सुरक्षा आप देख सकते हैं कि प्रियंका के चारों ओर है। ये देखिए प्रियंका गांधी इस वक्त सेल्फी खींच करके खुद दे रही हैं, मोबाइल में सेल्फी दूसरे का कार्यकर्ता का लेकर के सेल्फी खींच करके उन्होंने अपने हाथों से दी। आप ये तस्वीर देख सकते हैं। प्रियंका जब से पूर्वी उत्तर प्रदेश की महासचिव बनी है
पार्टी के लिए जान फूंक रही है। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 का पहला चरण 11 अप्रैल को होगा। ऐसे में उम्मीदवारों के पास प्रचार के लिए वक्त एक सप्ताह से भी कम बचा है। यही वजह है कि चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। गाजियाबाद सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार डॉली शर्मा के समर्थन में प्रियंका गांधी वाड्रा रोड शो कर रही है। उन्होंने इसकी शुरुआत घंटाघर से की। उनके रोड शो में जन सैलाब उमड़ा है। उनके कार्यक्रम की शुरुआत शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के माल्यार्पण से हुई। इसके बाद वो रमते राम रोड की ओर निकले। कड़ी धूप के बाद भी प्रियंका के रोड शो में भारी भीड़ छुपती चली गई। जनरल के गढ़ में रोड शो निकाल के प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये जता दिया कि कांग्रेस बीजेपी को चुनौती देने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। ऐसे में ये देखना होगा कि कांग्रेस क्या महागठबंधन का खेल बिगाड़ती है और बीजेपी का खेल बनाती है, या फिर अपनी खोई हुई जमीन उत्तर प्रदेश में वापस पाके दिल्ली की राजनीति को साधती है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस के उम्मीदवार डॉली शर्मा की टक्कर बीजेपी के जनरल वीके सिंह से। वो यहां से मौजूदा सांसद भी हैं। कांग्रेस इस सीट पर इसलिए भी जोर लगा रही है क्योंकि 2004 में यहां से कांग्रेस जीती थी। हालांकि 2014 में वीके सिंह ने राज बब्बर को हराया। आपको ये भी बता दें कि डॉली शर्मा को इससे पहले मेयर के चुनाव में 1,20,000 वोट मिले थे और वो बीजेपी की उम्मीदवार आशा शर्मा के मुकाबले दूसरे नंबर पर रही। ऐसे में डॉली के लिए प्रियंका रोड शो करके दम लगा रही है। मौसमी सिंह के साथ कुमार विक्रांत, गाजियाबाद आज तक। प्रियंका गांधी ने यूपी संभाला तो कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी निकल गए महाराष्ट्र। आपको बता दें यूपी के बाद सबसे ज्यादा 48 सीटें महाराष्ट्र से ही सामने आती हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मोदी पर राहुल ने करारा वार किया। राफेल से लेकर नोटबंदी, बड़े बड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री को घेरते हुए राहुल दिखाई दिए। लेकिन उसके बाद पहुंचे वो पुणे, छात्रों के बीच में। लेकिन वहां क्या, राहुल गांधी ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसके बाद मोदी मोदी के नारे राहुल गांधी के सामने ही लगने लगे। बैंक अकाउंट में मिला 15 लाख, अच्छा 10 रुपए मिले। मैं भी गांव गांव चौकीदार, पैसे की कोई कमी नहीं। लाइन में हिंदुस्तान के भ्रष्ट लोग दिखे। कांग्रेस ने जो 2-1 दिन पहले अपना डकोसला पत्र जारी किया है, 15 लाख नहीं दिया जा सकता, 3,60,000 रुपए दिए जा सकते हैं। 22 लाख सरकारी रोजगार है, उनको हम भर देंगे 1 साल। गजब का घमासान चल रहा है देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों के 2 सबसे बड़े नेताओं के बीच। 2019 का महासमर अब मैं भी चौकीदार और चौकीदार चोर के सीधे नारों के बीच अपना मुकाम ढूंढ रहा है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी महाराष्ट्र के पुणे में छात्रों को संबोधित करने पहुंचे, लेकिन वहां पीएम मोदी के समर्थन में नारे लगने शुरू हुए। दरअसल राहुल ने कहा था कि उनके मन में किसी के लिए भी नफरत नहीं है, फिर चाहे वो नरेंद्र मोदी के लिए ही क्यों ना हो। राहुल के इतना कहते ही वहां मौजूद छात्रों ने मोदी मोदी के नारे लगाना शुरू कर दिया। It's fine, no problem. 1,000 rupees. इन छात्रों के बीच राहुल ने देश की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और नोटबंदी का जिक्र भी किया। साथ ही देश के गरीबों को 72,000 रुपए देने के वादे के बारे में भी बात की और कहा कि हम वादे पूरे करेंगे।
राहुल ने कहा 22 लाख सरकारी पद खाली है, हमें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की जरूरत है। 27,000 जॉब्स लॉस्ट इन इंडिया एवरी 24 आवर्स। फर्स्ट थिंग रिस्पेक्ट स्किल, आइडेंटिफाई स्किल एंड देन टारगेट दैट स्किल विद फाइनेंसेस, विद पॉलिटिकल सपोर्ट, विद हेल्प। इस कार्यक्रम में एक छात्रा ने राहुल गांधी से बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी सवाल पूछा। इट्स इम्पोर्टेंट दैट पीपल नो दैट दे कांट मेस अराउंड विद इंडिया। इट्स इम्पोर्टेंट दैट पीपल अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ कॉस्ट। इट्स इम्पोर्टेंट दैट देयर इज दे अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ कॉस्ट टू मेसिंग अबाउट विद इंडिया। सो आई एम ओवरऑल आई थिंक आई एम फॉर द एयर स्ट्राइक्स, बट व्हाट आई एम अगेंस्ट इज द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द एयर स्ट्राइक्स। I feel uncomfortable, frankly, when the Prime Minister politicizes these type of things. But that's a choice. I don't do it, he does it. That's his choice. Question is that India is... पुणे के छात्रों के साथ संवाद करने पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कार्यक्रम में अपने बचपन से जुड़ी यादें भी साझा की। इस दौरान उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को अपना बेस्ट फ्रेंड कहा, तो वहीं दूसरी ओर ये भी बताया कि दादी इंदिरा गांधी को वो कैसे डराया करते थे। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र की चुनौती राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी है, लेकिन छात्रों के बीच पहुंचकर राहुल गांधी खुद भी छात्र बन गए। अपने बचपन को याद किया, अपनी दादी इंदिरा गांधी को भी याद करते हुए, उनका जिक्र करते हुए वो दिखाई दिए। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी यूपी पहुंचे। आपको बता दें ताबड़तोड़ चुनावी रैली उनकी ओर से की गई, अमरोहा और सहारनपुर में जमकर कांग्रेस पार्टी को घेरा। और सहारनपुर पहुंचकर तो यहां तक कांग्रेस पर वार करते हुए कह दिया कि दरअसल बोटी बोटी करने वालों को कांग्रेस पार्टी ने बना दिया है यहां से उम्मीदवार। बोटी बोटी करने वाले साहबी है कि एपी का मतलब है अहमद पटेल और एफएम का मतलब है फैमिली। अमरोहा, सहारनपुर और फिर देहरादून, 2019 के महासंग्राम के लिए पीएम मोदी ने यूपी उत्तराखंड का तूफानी दौरा किया और अगले दौर की वोटिंग से पहले जमकर हुंकार भरी। अमरोहा में पीएम मोदी ने एयर स्ट्राइक का जिक्र किया और कहा कि आतंकवादियों को जवाब देने से देश में कुछ लोगों की नींद उड़ गई है, लेकिन आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना हमारे देश में ही कुछ लोगों को परेशान करता है, उनकी रात की नींद उड़ जाती है। तो सहारनपुर में मोदी ने लोगों को मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाई। मोदी ने कहा, बुआ और बबुआ भले ही दंगों के दर्द को भूल जाएं, लोग नहीं भूलने वाले। किराना का वो मॉडल जब घरों पर दुकानों पर कब्जे वाले गिरोह खुले आम घुमा करते थे, पलायन के वो दिन अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये बुआ बबुआ भुला सकते हैं, लेकिन आप भुला सकते हो क्या? वहीं पीएम मोदी ने दंगों के दौरान चुप्पी साधे रहने के लिए अजीत सिंह को भी निशाने पर लिया, लेकिन सबसे बड़ा हमला कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर किया और उसे ढकोसला पत्र बता दिया। कांग्रेस ने अपने ढकोसला पत्र में जो लिखा है उसका मतलब ये निकलता है कि बेटियों के साथ राक्षसी अपराध करने वालों को भी अब जेल से जमानत मिल जाए। राहुल गांधी पीएम मोदी के अधूरे वादों पर लगातार निशाना साध रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने अमरोहा में एक बार फिर दोहराया कि अधूरे कामों को पूरा करने के लिए उन्हें 5 साल और चाहिए। भारत माता की। आज बात अब हेमा मालिनी की कर लेते हैं। मथुरा से बीजेपी की उम्मीदवार हेमा मालिनी वोटों के लिए न जाने क्या क्या कर रही हैं। कभी वो गेहूं के खेत में पहुंच जाती हैं गेहूं की फसल काटने के लिए, कभी आलू के खेत में पहुंचकर दिलचस्प तस्वीर वहां से भी सामने आती है जो आप देख रहे हैं, और ट्रैक्टर चलाती हुई भी हेमा मालिनी आज अपने ही अंदाज में दिखाई दी। अब इन तस्वीरों का असर वोटरों पर कितना पड़ता है ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। मथुरा से उम्मीदवार हैं हेमा मालिनी और ऐलान कर चुकी हैं कि अब आगे वो कभी सांसद का चुनाव नहीं लड़ेंगी। स्पेशल रिपोर्ट में इसी के साथ बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक।
और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।